हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो अभी नहा के आ चुकी हूँ और सुबह का समय है, तो थोड़ी सी मेकअप कर ली, क्योंकि नहा के आने के बाद सिंदूर बिंदी, थोड़ी सी क्रीम लगाते हैं, उसके बाद ही मंदिर में आते हैं। तो यहाँ आ चुकी हूँ मंदिर में, और ये है मैट। तो मंदिर की सफाई बिल्कुल अच्छा से कर दी हूँ, बर्तन का सफाई भी और मंदिर भी अच्छा से क्लीन कर दी हूँ। तो यहाँ दिखा रही हूँ मैं अपने भगवान जी को, और दिखा रही हूँ मैं कि गणेश जी और लक्ष्मी जी को कैसे मैं नहला के बैठाई हूँ। तो सबसे पहले मैं भगवान लोग को नहलाती हूँ, और सबसे पहले गणेश जी को नहलाती, उसके बाद लक्ष्मी जी को, और नया वस्त्र डेली पहनाती हूँ, जैसे नया नहीं धुला हुआ वस्त्र पहनाती हूँ, नया ही। और ये है तुलसी मैया, और इस महीने में ना तुलसी मैया का बहुत अच्छा से पूजा किया जाता है, जैसे डेली तो करते ही हैं, लेकिन इस कार्तिक महीने में ना बहुत अच्छा से किया जाता है। और हमारे बिहार में तो बहुत अच्छा से होता है, जैसे छठ पूजा, उसके बाद तुलसी जी का शादी होता है, तुलसी विवाह जो होता है ना वो, और बहुत धूमधाम से होता है। तो मैं यहाँ हल्दी और कुमकुम सब कुछ लगा दी, नैवेद्य भी लगाई, उसके बाद तुलसी मैया को मैं जल दे दी, और धूप दीप दिखाने के बाद में यहाँ मेरा मंदिर का भी पूजा हो चुका है। मैं मंदिर के पूजे का वीडियो नहीं ली हूँ, और नहा के फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में खाना बनाने की तैयारी शुरू है। तो किचन में मैं खाना क्या बनाऊँगी? तो खाने में दाल चावल, जैसे लंच में ना दाल चावल रोटी और सब्जी बनता है, यही बनता है। तो मैं आज सब्जी में बनाऊँगी आलू मूली और गाजर का सब्जी बनाऊँगी, जैसे सूखा सब्जी बनाऊँगी, और दाल चावल तो बनेगा ही। तो मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं धो के और रखी हूँ, और यहाँ कड़ी पत्ता हरी मिर्ची थोड़े से, ये पानी इसका सूख जाए ना तो मैं रखूँगी। और जैसे मैं प्याज कट कर रही हूँ स्लेब पर, जब मेरे को थोड़ी सी प्याज मिर्ची कट करना होता है तो मैं इस पर ऐसे ही कट कर लेती हूँ, और उसके बाद तब तक मेरा मिर्ची और कढ़ी पत्ता भी अच्छे से भून चुका है। उसके बाद मैं डालूंगी तेल कढ़ाई में, और डालूंगी प्याज। तो यहाँ तेल मैं थोड़े ही डाली, और उसके बाद चारों तरफ ऐसे फैला ली। उसके बाद जब मैं तेल गरम कर लूंगी फिर डालूंगी प्याज। तो यहाँ तेल कढ़ी पत्ता मिर्ची पहले से ही भून चुका था, लेकिन थोड़ा सा तेल डालने के बाद में और अच्छे से भूनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ प्याज डाल दी, और प्याज भूनने के बाद में मैं डालूंगी इसमें जो सब्जी कट करके रखी हूँ। तो जो भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को पूरा देखना, और मेरे चैनल पे जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो यहाँ देखिए मैं सब्जी डाल दी, और ऐसे सब्जी बनाए बिल्कुल अच्छा लगेगा, जैसे ना मूली का कितना सब्जी थोड़ा सा कड़वा लगता है, तो सूखा बनाने के बाद या तो मसाला डालने के बाद थोड़ा सा चटपटा हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना। तो जब तक मेरा सब्जी तैयार हो रहा है तब तक मैं थोड़े से फ्रूट कट कर लेती हूँ। और ये मैं 2-3 दिन पहले लेके आई थी, मैं सोची कि देखती हूँ ऐसा ना हो कि अंदर ख़राब हो गया हो, ख़राब तो नहीं होगा लेकिन ज़्यादा पक जाता है। तो मैं उसको कट की, और ये दिखा रही हूँ ख़राब नहीं हुआ है, बस अंदर से पक गया है ज़्यादा, और ऐसे ही रहता है, कोई इसका बीज ख़राब नहीं है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ सामने से बिल्कुल फ्रंट करके कट के दिखा रही हूँ कि कैसे काट रही हूँ। तो ये मैं नाइफ़ को ना दूसरे साइड में कर दी हूँ, क्योंकि ये एक साइड से पक गया है, तो पकने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा ही घुल जाता है ना, कटता नहीं है। तो ये सबसे पहले मैं भगवान जी के लिए रखूँगी, और काटने के बाद मैं ये पीसेस कट कर ली, फिर मैं बच्चे के और बड़े सबके लिए लेके चलती हूँ। थोड़ी सी धूप भी दिखाऊँगी बच्चे को, और बैठ के बच्चे खाएँगे भी। तो दोनों भाई बहन मैट लेके आए हैं, तो वो बोल रहे हैं, छोटे वाले बोल रहे हैं मैं डालूंगी, तो बड़ी बोल रही है मैं डालूंगी। तो मैं बोली दाओ मैं डालती हूँ, तो नहीं तो बाबू डालना शुरू कर दिया, बाबू को थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। तो मैं बोली इसी बहाने थोड़ी सी धूप भी बच्चे को लग जाएगा, तो धूप में बैठेंगे। लेकिन ऐसा होता है ना कि बाबू को मेरे ये फ्रूट अच्छा नहीं लगता है, बोलता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा कहने पर कि खा लो खा लो, बहुत बार कहेंगे फिर खाता है।
तो हम तो बैठ गए, हम और दोनों लड़की, और बाबू तो बैठा ही नहीं है। फिर मैं बाबू को बोली, बाबू आ जाओ, तो इधर से उधर भाग रहा था, इधर से उधर भाग रहा था। फिर मैं बहुत बोली तो बैठ के खाया है, तो आप देखिएगा कैसे ये खाएगा। पहले देख रहा है, इधर से उधर जाके बोला कि मम्मा मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता है। लड़की तो दोनों खा ही रही है। फिर मैं चली गई, जब मैं चली गई तो ये बैठ के खाना शुरू कर दिया। मैं बोली चलो ठीक है, बैठ के ऐसे भी तो खा लो, बच्चे खेल के भी खाते हैं। और अभी चलती हूँ देखने सब्जी बना कि नहीं, तो सब्जी मेरा बन चुका है। तो अब मैं लेके आती हूँ खाना, और खाने में चावल दाल सब्जी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं चलती हूँ चावल दाल सब्जी खाऊंगी और बच्चे को भी खिलाऊंगी।